आज हमारे बीच बीएमआरपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुनिराज सिंधे जी हैं और वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने एक यहाँ पर स्कूल में तालाबंदी की है और अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, यह आंदोलन कब तक चलने वाला है। सर, आंदोलन जब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जी। ये धांधलेबाजी जो शिक्षा मंत्री यहाँ करा रहा है, यहाँ के प्रशासन के सहयोग से या ये जो शिक्षा अधिकारी हैं उसके सहयोग से, तो ये धांधलेबाजी भीम आर्मी ना तो कभी चलने दिए ना चलने देगी। आप ताला मारने की बात करें, ताला हमने मार दिया है। ये ताला जब खुलेगा, जब यहाँ इंसाफ मिलेगा। यहाँ जिला अध्यक्ष के साथ पूरी टीम डटी हुई है और हम लोगों को रात सूचना मिली थी, हम लोग पहुँचे हैं। तो जब तक इस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जब तक हमारे सीटें नहीं भरी जाती, चुनाव रद्द नहीं होते, और चुनाव रद्द होकर SC ST की सीटें यहाँ पर नहीं भरी जाती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आए या कोई आपकी वार्तालाप हुई इसमें? आए थे भी कुछ अधिकारी, वो कह के गए हैं कि आपको हम लोग रिटर्न में दे रहे हैं। रिटर्न में देने की बात हुई है शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, जब तक रिटर्न में देंगे भैया बैठने, कह रहे हैं कि कोविड के इंजेक्शन लगाने, भैया बहुत जगह कहीं पर भी लगा लो आप, अभी हम बैठे हैं, हमें बैठने दो, जब तक आप रिटर्न में नहीं देंगे लिखित में, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्पष्ट मत है, वो तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक यहाँ पर जो अजय गौतम जी हैं, अजय कुमार जी हैं, जो इस स्कूल के अध्यक्ष हैं, उनको न्याय नहीं मिल जाता। पूरी भीम आर्मी की टीम और समाज के अन्य जो लोग हैं यहाँ पर, वो सभी लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब ये देखना ये रहेगा कि आगे प्रशासन का क्या रुख होता है और आगे यहाँ पर सभी लोग अपने विरोध प्रदर्शन में जारी हैं और ये धरना आगे भी जारी रहेगा। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं ये विवाद सुलझने वाला कैसे है या कब होगा। मैं मान सर, देखिए इसमें जो प्रबंध समिति के चुनाव होते हैं, ये पिछले विगत दिनों से इसमें प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, सिर्फ प्रबंधक और विभागीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित होते हैं। वहीं से पहले के प्रक्रिया के अंतर्गत एक अखबार में, अखबार के जो लैंग्वेज है कि राष्ट्रीय स्तर का जो मान्यता प्राप्त अखबार है उसमें निकाला जाए, तो उसमें सदस्य बनाए गए। अजय कुमार जी जो अध्यक्ष हैं कह रहे हैं वो उस अखबार को हमने नहीं देखा, मेंबर उनके बन गए। वो अखबार जो सात टाइम्स जो अखबार है वो यहाँ काशीपुर में आता है नहीं आता है? ये तो मुझे पता नहीं है, उसकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर की है, ऐसी जांच की गई थी, ये हुआ था, जांच की गई थी कि उसकी मान्यता है कि नहीं। मान्यता राष्ट्रीय स्तर की उसकी मान्यता थी, उस विज्ञापन के आधार पर विगत दिवसों में जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जाँच किए थे। प्रधानाचार्य का केवल स्कूल व्यवस्था में है, मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव में सारा मुख्य शिक्षा अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी ही होते हैं। वर्तमान चुनाव में भी जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वो पर्यवेक्षक हैं, चुनाव अधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज बांसखेड़ा के प्रधानाचार्य हैं वो, जो उसके चुनाव अधिकारी हैं। मैं चुनाव अधिकारी भी नहीं हूँ, परंतु आज जो है राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम जो वैक्सीनेशन का है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्देशित है, उसमें 6 तारीख हमारी आवंटित की गई थी, जिन बच्चों को 15 से 18 वर्ष की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना था, उस संबंध में हम लोग तो वैक्सीनेशन के उसमें आए थे। चुनाव की बाड़ी, चुनाव की प्रक्रिया अलग उसमें है, और हम तो केवल एक ये विद्यालय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए, जबकि विद्यालय में अवकाश होने के बाद भी 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए प्रयास कर रहे थे। इस कार्य के लिए विशेष रूप से हम कह रहे हैं कि यदि स्कूल का गेट बंद रहेगा तो हमारे बच्चे वैक्सीनेशन से वंचित रह जाएंगे, स्कूल के बच्चे ही इसमें लगना है। तो आगे ये स्कूल में तो गेट पे ताला दिख रहा है यहाँ पर, तो आगे क्या होना है थोड़ा बताइए। इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है अपने उच्च अधिकारी महोदय लोगों से, क्योंकि अभी समय 10 बजने जा रहे हैं सारे, थोड़ी देर में जैसा निर्णय आ जाएगा उच्च अधिकारी जैसे निर्णय देंगे उसी अनुसार हम अपना काम कर लेंगे। अभी हमारे साथ काशीपुर में यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हैं रणवीर सिंह सर हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, जो RS इंटर कॉलेज में जो ये चुनाव का क्या मामला है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको अभी जो यहाँ पे प्रबंधन समिति है उसके चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया है और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ, और इनकी 3 दिन की प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुकी है। आज जो है जो 12 सदस्य जो चुने गए थे उनमें से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष और प्रबंधक वगैरह का चुनाव होना है, और साथ साथ जो है ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी, टीकाकरण जो कोविड का वो भी चल रहा है। तो इसमें तो हमें जैसे ही हमें निर्देश लेते हैं सर से, जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, और हमने इसकी जाँच करके पहले पूर्व में दे रखी है, तो जाँच के आधार पर
यहाँ पर जो है इलेक्शन की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए बोला गया था, तो वो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। अब इनको अगर मांग वो करनी है तो ये वैधानिक तरीके से अपना उठाएं, धरना प्रदर्शन से क्या होगा, है ना, उसके लिए हम तैयार हैं। तो इस पर क्या, जिस तरह का इस स्कूल के जो अजय कुमार हैं जो अध्यक्ष थे, तो उनका आरोप है कि यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, तो आपकी जांच में क्या 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 मिला है, वो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सही है या गलत है, क्या क्या नहीं? जो हमने देखा वो तो विधि सम्मत थी, तो उसी तरीके के आधार पर तो उन्होंने परमिशन दी है ना, इन्होंने परमिशन ली है चुनाव कराने के लिए, तो CEO साहब से ये परमिशन मिली हुई है इनको, तो परमिशन के आधार पर ही ये जो है इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। तो इलेक्शन का आज चौथा दिन था, ये जो इसका मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं वो एक निराधार है या उनमें सच्चाई है, जांच में क्या पाया गया, सच है या झूठ है? जांच में तो यही पाया गया कि जो प्रबंध समिति, उन्होंने नियमानुसार कार्यवाही करी गई थी, अगर दिक्कत आती है तो पुनः जांच की जा सकती है।